हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी करने वाले 29 जुलाई को जो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आपका एग्जाम हो गया, और ये फर्स्ट शिफ्ट जो है ये ना A6 है, मतलब आज छठा दिन है। जैसे 24 25 26 27 28 29, मतलब आप काउंट कर लो, 24 तारीख से एग्जाम हुआ था तो उस बेसिस पे आपका आज छठा दिन चल रहा है। तो शिफ्ट 1 को A6 के नाम से जाना जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन मिले हैं उसका रिव्यू कराएंगे। मे बी एक आध क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके एग्जाम में ना आए हो, बच्चे ने बता दिया हो, तो उस क्वेश्चंस के बारे में आप कमेंट कर देना कि ये वाला क्वेश्चन सर नहीं आया था एग्जाम में, और क्या क्या क्वेश्चंस और आए थे एग्जाम में। अगर आप एग्जाम दे के आए हो तो कमेंट करके बता देना। बट आज मोस्टली चांसेस है कि 100% क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ वो सही हो, क्योंकि सारे ट्रस्टेड बच्चों का सेंड किया हुआ है। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका ये चीज, कैपिटल ऑफ मलेशिया। तो मलेशिया का जो कैपिटल होता है वो क्या होता है, कुआलालंपुर। ठीक है, वहीं पे अगर हम इसके करेंसी के बारे में बात कर ले तो ये रिंगिट होता है। ठीक है, तो मलेशियन रिंगिट कह लो या फिर रिंगिट हो लेता है। ठीक है, इसका करेंसी भी मे बी आपके एग्जाम में पूछ ले, बट श्योर नहीं है। ठीक है, तो आप करेंसी बस याद कर लो, रिंगिट होता है और कुआलालंपुर इसका जो है कैपिटल है। देखो थंबनेल पे लिखा था कि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं कुछ क्वेश्चन। देखो जैसे स्केप गॉड, इसमें से पहले भी बच्चों के एग्जाम में आए थे, तो स्केप गॉड के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा होगा, मिस स्पेल्ड पहले भी पूछा गया था और देखो इस बार भी पूछा गया। तो जो बच्चे रिव्यू देख रहे थे ना, ऑब्वियसली उसके 2 से 3 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ जा रहे हैं, बिकॉज रिव्यू देखने से एक आध क्वेश्चन रिपीट भी कर रहे हैं। मैं जैसा कि रिव्यू करा रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ, और एक आध क्वेश्चन जो है ना पिछले शिफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जो कि हम लोग उस वीडियो के अंदर उसके टॉपिक को क्लियर कर दे रहे हैं, तो उसका 1, 2, 3 नंबर तो ऐसे भी बढ़ जाएगा एग्जाम के अंदर, जो कंटिन्यू रिव्यू देख के एग्जाम जा रहा होगा। ठीक है, तो स्केप गॉड फिर से एक बार मिसेस पेल्ट में पूछा गया था। एबोलिस का एंटोनिम पूछा गया था। एबोलिस का मतलब होता है किसी चीज़ का उन्मूलन कर देना, जस्ट लाइक समाप्त कर देना। ठीक है, किसी चीज़ को समाप्त कर देना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, किसी चीज़ को बनाना। ठीक है, तो क्रिएट करना, रिटेन करना, ये जो हो जाएंगे इनके एंटोनिम्स हो जाएंगे। चलो ऐसे बहुत सारे एंटोनिम्स से कमेंट करके बताओ कि ऑप्शन में क्या था। और आपके डिफेंस से रिलेटेड एक और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा हुआ था, अ प्लेस वेयर सोल्जर्स लिव। ठीक है, जहाँ पे सोल्जर्स रहते हैं, तो सोल्जर्स को कहाँ रखा जाता है, बैरक्स के अंदर। तो सोल्जर्स के रहने का स्थान बैरक बन कहा जाता है ना, कि सोल्जर्स बैरक के अंदर है। तो एक ये वाला था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आया था, प्लेस वेयर सोल्जर्स लिव्स। ठीक है, बैरक। एक इनक्विजिटिव का एंटोनिम पूछा गया था, इनक्विजिटिव। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इनक्विजिटिव था ना। एक चीज बता दूं मैं, इनक्विजिटिव और इनक्विजिटिव में फर्क क्या होता है, एक समझ लो यहाँ पे। इन दोनों में फर्क बस इतना ही है कि क्विजिटिव नहीं होता है, वो इनक्विजिटिव भी होता है। ठीक है, कुछ लोग कमेंट करके कह रहे थे कि सर जब इनक्विजिटिव आ गया तो क्विजिटिव का मतलब उल्टा हो गया, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब कमेंट नहीं करते, मैसेज करके पूछ रहे थे, तो मैंने उनको रिप्लाई भी दिया। अगर और भी बच्चों का ये डाउट होगा तो समझ लेना, इनक्विजिटिव का मतलब ही होता है कि ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा उत्सुक हो किसी चीज़ को जानने के लिए, ठीक है, उसको इनक्विजिटिव कहा जाता है। वहीं पे एंटोनिम क्या हो जाएगा, इनक्यूरियस। उसमें कुछ भी क्यूरियसिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो उत्सुकता नहीं है उसके अंदर। ठीक है, इनक्यूरियस उसका जो है एंटोनिम है, या फिर अनडिफरेंट, बिल्कुल भी क्या है भाई, वो उदासीन है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्या कह रहे हैं, अनइनवेबल से रिलेटेड एक सिनोनिम था पैसेज के अकॉर्डिंग। तो पैसेज में क्या था, तो पैसेज पढ़ने पे समझ में आएगा, पैसेज तो किसी को याद होगा नहीं, चलो समझ लो पैसेज में कैसा वर्ड आया था। आगे देखो, एक लेबर डे कब मनाया जाता है, ये सवाल आपसे पूछा गया था, जिसको हम लोग जनरली मजदूर दिवस के नाम से जानते हैं। देखो मजदूर दिवस, ठीक है, तो ये 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, कि जैसे ये इंडिया से शुरुआत हुआ नहीं था, ये रशिया और अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, वहाँ पे मजदूरों को लेके बहुत भारी मात्रा में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, मतलब उनके पेमेंट वगैरह को लेके, तो वहां से जो है मजदूर दिवस की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलो अगर आगे एग्जाम में पूछ भी दे तो समझ लेना आप लोग वही जो मैंने बताया, नहीं पूछेगा इतना डेप्थ में तो नहीं जाने का। इंडियन कैलेंडर कौन सा हम लोग यूज करते हैं, भाई जो भारतीय पंचांग है वो सकसंगवंत है। ठीक है, ये तो मिशन 500 के अंदर हमने करा रखा था, वहां से पूछा हुआ था। ठीक है, 500 के अंदर मजदूर दिवस नहीं दिया था मैंने, ठीक है, बहुत सारे दिवस दिए थे बट बाई मिस्टेक मजदूर दिवस छूट गया था, बट इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था। ठीक है, आगे देखो, इंडियन कैलेंडर जो है सक संवत है, सक ईरा से रिलेटेड है, जाके देख लो, 60 से 65 क्वेश्चंस, 65 नंबर के बीच में होगा ये वाला क्वेश्चंस। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 से क्वेश्चन पूछा था कि उसका जो खिताब किसको मिला, लाइक विनर कौन था ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का, तो राफेल नडाल। ठीक है, और एक बच्चा पूछ रहा था सर ऑस्ट्रेलिया ओपन का किताब कैसे मिलता है, वो किताब नहीं खिताब होता है,
किताब मतलब विनर, ठीक है, कौन जीता, ठीक है, किताब इन द सेंस की बुक और खिताब इन द सेंस की विनर, ठीक है। तो इन दोनों में काफी डिफरेंट होता है, तो दोनों को मिला के किताब ना सोच लो। कुछ लोग कह रहे हैं सर मैं कंफ्यूज था कि ऑस्ट्रेलिया ओपन कौन सा किताब होता है, मुझे पता नहीं है किसे दिया गया ये किताब, तो वो किताब नहीं है, एक वर्ड है, ठीक है। आगे देखो, जो जीतता है उसको मिलता है, जैसे बोलते हैं ना मैन ऑफ द मैच किसे मिला, आईपीएल का विनर कौन सा टीम रहा, उस तरीके से वो जो है विनर था राफेल नडाल। आगे नाउन का एक सिंपल मतलब नाउन पूछा गया था सिंपल का, तो सिंप्लिसिटी हो जाएगा, नाउन ऑफ सिंपल, तो सिंप्लिसिटी इसका एक नाउन हो जाएगा, सॉरी ये पे नाउन हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है डैश था एक, फिर कह रहा है योर फादर एंड मदर हेल्प यू, ठीक है, सॉरी हेल्प यू, तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने थे। तो गाइज यहाँ पे देखो, यो यहाँ पे ऑप्शंस थे आर हैज इज और वाज, तो इसमें से क्या फिल कर देते तो सही हो जाता। जस्ट इमेजिन कि देखो यहाँ पे कितने लोग हैं, योर फादर मतलब आपके पिता एंड मदर, मतलब आपके फादर एंड मदर दोनों मिलके कितने लोग मिल गए, मिल गए दो लोग मिल गए, तो दो लोगों के लिए तो हमारे पास प्लूरल यहाँ पे एक्जिलरी वर्ब चाहिए था, तो यहाँ पे प्लूरल में सिर्फ आर ही दिया हुआ था ना। अगर यहाँ पे हैव भी होता ना, तो हम अगर हैव को नहीं फिल करते। कुछ लोग कह रहे हैं सर ऑप्शन में अगर हैव भी था, अगर किसी को ये दिमाग में आ रहा है तो हैव भी था तो हम यूज नहीं करते वहां पे, क्यों, यहाँ पे आर का इस्तेमाल ही करेंगे, बिकॉज आर योर फादर एंड मदर हेल्प यू, मतलब तुम्हारे माता और पिता मदद करते हैं, तो चलो ठीक है आर से तो सेंस मिल रहा है। अब हैव होता तो क्यों नहीं कर सकते थे सर, प्लूरल है, बिकॉज हैव के बाद भी थ्री आता है और यहाँ पे हेल्प लिखा हुआ था, तो उसका हेल्प्ड होना चाहिए था ना इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलो ये अगर पूरा जो डाउट है, अगर वाज या फिर वर भी होता तो यूज नहीं करते हम लोग, वर भी होता तो यूज नहीं करते, बिकॉज वर के साथ भी फोर यूज होता है, तो यहाँ पे हेल्पिंग होता तब हम लोग वर को यूज करते या फिर आर को यूज करते। तो इस सेंस में क्या है, मतलब आर को यूज कर रहे हैं, मतलब ये तो समझ में आ गया ना कि आर योर फादर एंड मदर हेल्प यू, मतलब तुम, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर चला गया, क्लियर। तो या फिर अगर हम उसको आर का मतलब यूज कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट के अंदर जा रहा है कि क्या तुम्हारे फादर और मदर जो है हेल्प करते हैं, ये चीज था। बट गाइज अगर यहाँ पे ना आर कहे तो यहाँ पे हेल्पिंग होता तो फिर भी सेंटेंस को कंटिन्यूअस में बनाया जा सकता था, या फिर अगर प्रेजेंट इंडिफिनिटिव बनाया जाता तो आर से तो बनता नहीं है। तो इस क्वेश्चन में मुझे फाइनली देखा जाए तो कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में अगर जाता भी है तो यहाँ पे हेल्प अगर है तो यहाँ पे डू होगा ना, डू योर फादर एंड मदर, तो फिर यहाँ पे ये सेंस मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर ये होगा ना कि आर योर फादर एंड मदर हेल्पिंग यू, तब जाके आर का यूज हम लोग कर लेते तो फिर परफेक्ट बन जाता अपना, ठीक है, क्या तुम्हारे माता और पिता मदद कर रहे हैं। बट अगर हम प्रेजेंट इंडिफिनिट में निकाल भी रहे हैं अगर इसको, क्या तुम्हारे माता पिता मदद करते हैं, तो फिर यहाँ पे डू डज निकलता है इंट्रोगेटिव में। तो ऑप्शन में या तो कुछ लोचा है या तो या फिर हेल्प का हेल्पिंग होना चाहिए। तो कमेंट करके बताओ क्या था इस सेंटेंस के अंदर, मैंने बता दिया ना, अगर हेल्प है तो ऑप्शन में डू आना चाहिए आंसर इसका, अगर हेल्पिंग होगा तब जाके इसका आंसर आ रहना चाहिए, ठीक है। क्या था एग्जैक्टली कमेंट करके बताओ। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे.जे. थॉमसन ने की थी, मैंने ये चीज पहले बताया था, पेन जीटीसी वाला एक फॉर्मूला बताया था, PENGTC, ठीक है। प्रोटॉन का गोल्ड स्टीन, इलेक्ट्रॉन का थॉमसन, और एन फोर न्यूट्रॉन और सी फोर चैडविक, तो न्यूट्रॉन का चैडविक ने किया था। वहीं पे कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है, मिशन 500 के अंदर इसको दिया हुआ था। एलिफेंटा गुफा कहाँ पे है, मुंबई में, इसको भी मिशन 500 के अंदर दिया था हमने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कुचिपुड़ी कहाँ का जो है संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश से एलिफेंटा गुफा कहाँ पर है भाई, तो मुंबई में, एलोरा पूछ लेता तो बताओ कमेंट करके क्या कर लेते, महाराष्ट्र कर लेते ना। आगे देखो, मेंस्ट्रुएशन से दो क्वेश्चन यहाँ पे थे आपके, लाइक क्यूबॉइड और शंकु, या फिर ऐसे करके कुछ क्वेश्चन थे जिससे कि मतलब रेशियो वाला पूछा था, तो रेशियो मैंने तो इसका लिखवा दिया था आपको, मेंसुरेशन के अंदर ही लिखवाया था, क्यूब क्यूबॉइड जब पढ़ा रहा था मैं, तो अगर याद होगा तो ठीक है, नहीं याद हो तो फिर वो आपकी दिक्कत है। मैंने 3.5 घंटा टाइम दिया था मेंसुरेशन के ऊपर, और इस शिफ्ट के अंदर दो सवाल पूछे गए मेंसुरेशन से, इस शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, तो मतलब ये चीज समझ लो आपको पढ़ना है कि नहीं, मेरे अकॉर्डिंग सब पढ़ के जाना अगर टाइम है तो। 1, 15, 16, 31, 47, 78, 125, तो अगला सीरीज क्या हो जाएगा ये पूछा जा रहा था। जस्ट की 1 + 15 क्या होता है, 16 हो जाएगा, मतलब लास्ट के दो दो को डिजिट को जोड़ो, मतलब 1 और 15 को जोड़ोगे तो अगला मिल गया, फिर 15 और 16 को जोड़ोगे तो 31 मिल जाएगा, फिर 16 31 को जोड़ोगे तो 47 मिलेगा, फिर 31 और 47 को जोड़ोगे तो 78 मिल जाएगा, 47 और 78 को जोड़ोगे तो 125 मिलेगा, और 27 28 + 125 को जोड़ दो जो वैल्यू आएगा वो आपका आंसर होगा। तो 9 10 11 12 13 ये हो जाएगा 203, ठीक है। तो इसका दो करेक्ट आंसर 203 होना चाहिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन था तो करेक्ट आंसर लिख लो यहाँ पे 203, ठीक है। तो चलो जो भी क्वेश्चंस मिले थे अभी तक मैंने आपको यहाँ पे करा दिया। इसके अलावा
अगर आपको कोई भी सवाल याद है गाइज फर्स्ट शिफ्ट का 29 जुलाई का, तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। और ये भी बताना है कि इसमें से कितने क्वेश्चन हमने जो कराए वो करेक्ट एग्जाम में आए हुए थे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स दिए जाते हैं।